आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन में भेदभाव होता है बिहार में, बहुत ही ज्यादा सिफारिश के आधार पर थोड़ा। तय होता है कि बिहार की क्रिकेट टीम में, रणजी टीम में, या जो बिहार की स्टेट टीम है उसमें कौन खेलेगा, ये सिफारिशों पर तय होता है। बिल्कुल, सिर्फ सिफारिशों पे नहीं, करप्शंस जी, भी है, करप्शन, किस तरह करप्शन, बहुत मुझे ही थोड़ा समझाइए भ्रष्टाचार है किस तरह यहाँ पर। करप्शन देखते हैं आप बिहार में। देखिए, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, बट जी स्थिति ये है, इंटरनल ये है कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि बिहार के प्लेयरों के जगह बाहरी प्लेयरों को यहाँ चांस दिया जा रहा है, जी दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं अधिकारियों से, जी जिस भी तरह से, पैसे के बदौलत, पैरवी के बदौलत, वो डायरेक्ट टीम में एंट्री पा रहे हैं। उन्होंने एक भी मैच यहाँ लीग का नहीं खेला, डिस्ट्रिक्ट का मैच नहीं खेला, और वो डायरेक्ट टीमें में आ जा रहे हैं। वो कैसे जी पॉसिबल है? जब आप बिहार के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट से अनुबंधित नहीं हो, किसी जिला में किसी लीग मैचेस को खेल नहीं रहे हो, तो आप कैसे टीम में, बिहार टीम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? जी हम लोग पिछले 20 साल से बिहार के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, बिहार को बहुत कुछ दिए हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि बाहरी प्लेयरों को यहां इन कर रहे, क्योंकि बिहार के प्लेयर तो उनको वो फायदा दे नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो ये आपने ये बिहार सब के, जी बिहार के बारे में तमाम चीज़ें बताई, क्योंकि आप झारखंड में भी प्रैक्टिस किए हैं, वहाँ भी खेले हैं, बिल्कुल और वहाँ भी आपने क्रिकेट किस तरीके से खेला जाता है, क्योंकि तमाम बड़े खिलाड़ी, खुद पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से आते हैं, और वहीं की टीमों से खेलते हुए वो नेशनल टीम का सफ़र उन्होंने तय किया है। तो वहाँ किस तरह क्रिकेट, झारखंड क्रिकेट और बिहार क्रिकेट में क्या फ़र्क देखते हैं आप? मैं अपनी आंखों के सामने धोनी भैया को इंडिया टीम के लिए खेल सेलेक्ट होते देखा हूं। जी हम लोग अंडर 16 टीम में थे, 2004 की मैं बात बता रहा हूं, जी ठीक है? 2004 में मैं अंडर 16 टीम का सदस्य था, जी और धोनी भैया रणजी ट्रॉफी झारखंड के लिए खेल रहे थे। जी वहां जो क्रिकेट का माहौल है, जब से अमिताभ चौधरी वहां प्रेसिडेंट बने, उन्होंने जी क्रिकेट को बदल कर रख दिया। जी एक गांव गांव तक, मैं कह रहा हूं, हर जगह इतना अच्छा क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया कि आपको कहीं भी, आप लोहरदगा चले जाओ, रांची चले जाओ, झारखंड, किसी भी जगह चले जाओ, वहां एक स्टैंडर्ड का मैच आपको मिलेगा, जी अच्छा टर्फ विकेट मिलेगा, जो कि एक प्लेयर को चाहिए। तो झारखंड का क्रिकेट और बिहार के क्रिकेट में आज के डेट में आकाश जमीन का अंतर है, जो कि पूरा झारखंड बिहार के प्लेयरों से चलता था, पूरा झारखंड। मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूं, एक टाइम ऐसा था जब झारखंड रणजी ट्रॉफी टीम में पटना के 9 सदस्य रहते थे, 11 में, नाइन, जी जितना दबदबा पटना का सारे बैट्समैन का था, वो दबदबा आप सोचिए कि आज के डेट में ये स्थिति है कि झारखंड का हर एज ग्रुप से एक प्लेयर इंडिया टीम में जरूर है।